Hello everyone, this is Sona Sharma, your reasoning educator. I welcome you all on the official YouTube channel of Adda 24 7. आज हम करने वाले हैं यहाँ पे एक नई शुरुआत शुरुआत है IBPS की तैयारी की और IBPS में सबसे पहले हम सभी को पता है रीजनल रूरल बैंक के एग्ज़ाम होंगे और इसलिए आर की तैयारी डेली बेसिस पे रोज हम दोपहर में तो करते ही हैं जहाँ पे दोपहर तीन बजे मैं आपको अल्फा क्लासेस में डेली बेसिस पे आर की क्लासेस में मिलती हूँ वैसे ही आज रात के 10 बजे भी हम आरआरबी की तैयारी के लिए यहाँ पे आ चुके हैं आज का सेशन आप सभी की डिमांड पे है क्योंकि आप लोगों को चाहिए था कि भाई मैम हमें बेसिक से बताइए तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारी पूरी रीजनिंग का जिस टॉपिक ने राज कर रखा है हमारे एग्ज़ामिनेशन में आप सभी को पता है राज किसने किया है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही आते हैं जिस स्टूडेंट की पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो गई जिसने उस पर पकड़ बना ली उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट वन इसके बाद पार्ट टू भी आएगा बिल्कुल शुरुआत से हम देखेंगे कि भाई पज़ल कितने टाइप्स की होती है सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप्स की होती है और साथ ही साथ हर एक के लिए ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए हम उन्हें कैसे रिज्यूम करें लेटर स्टार्ट दिस सेशन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे इस सेशन के लिंक अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस सेशन को दिल से लाइक करते जाएंगे और फिर यहाँ पे बने भी रहेंगे ठीक है हाय राज अदिति ठीक है तो ऑल ऑफ यू आर हैप्पी हाँ तो वो मुझे दिख रही हैप्पीनेस इज हियर स्टार्ट करते हैं मैं भी हैप्पी हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आरआरबी के लिए तैयार तैयार आरआरबी की तैयारी के लिए हमने शुरुआत तो कर ही दी थी बट आप रात को भी तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि रात को भी हम आईबीपीएस की तैयारी में लग चुके हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा रीजनिंग ऑफिशियल अंडर सेवन में ज़रूर जुड़िएगा साथ में यहाँ पे अल्फा बैच लॉन्च हो चुकी है अल्फा बैच आपकी 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है ये बैच आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री एग्ज़ाम के लिए है इस बैच के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम के प्री के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा ये प्री जिस दिन आप यहां से प्री की तैयारी कर लेंगे और जिस दिन आपका पहला बैंक का प्री निकल जाएगा उस दिन लाइन से सारे प्री निकलने लगेंगे ये मैं आपको गारंटी देती हूँ बट वो पहला प्री निकलना जरूरी है और उसके लिए प्री के लिए पूरी तरीके से तैयारी जरूरी है अल्फा क्लासेस में यही होगा रीजनिंग मेरी जिम्मेदारी रहेगी फिर से कुपन कोड यूज़ कीजिएगा वाई चार सौ चालीस सेवेंटी एट परसेंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पे साथ ही साथ भाई डबल वाई डी लाइव है तो ये छः महीने की अगर बैच है तो आपको एक साल के लिए मिल जाएगी उस अमाउंट पे साथ ही साथ आर की अगर आपको मींस ही क्लासेस भी चाहिए आपको ओवरऑल आर की तैयारी करनी है तो ये बैच भी अवेलेबल है ये सभी बैचेस आपको मिल जाएगी कहाँ बैंक महापैक में मैं नहीं बोलूंगी कि अलग अलग इतनी सारी बैचेस लो या तो एक ये ले लो अगर आपसे प्री ही नहीं निकल रहा है और अगर आपको लग रहा है यार मुझे मीन्स भी निकालना है मुझे ओवरऑल चाहिए तो भाई आप बैंक महापैक ले लेंगे यहाँ पे आपको आने वाले हर एक एग्जाम की आ, द, ब, बैच मिल जाएगी बुक्स मिल जाएगी आपके घर तक आएगी और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कोड बैंक के लिए भी, वाई करेंगे। 78 ये मेरा है इसे यूज करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा मुझे पता भी चल जाएगा एंड डबल वेली लाइव है एक साल का कोर्स दो साल के लिए मिल जाएगा उसी अमाउंट पर चलिए आते हैं पहले टाइप्स पे स्टार्ट करते हैं सेशन को ठीक है सो so, पजल्स कितने टाइप्स की होती है सबसे पहले तो मैं आपका पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा एक क्लैरिटी लाना चाहती हूँ देखिए सभी सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली पज़ल ही होती है तो मैं इसे अगर पजल भी कहूँगी तो समझ लेना मैम ने इंक्लूड किया है सिटिंग अरेंजमेंट को भी इन पज़ल्स में हर एक सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली एक पज़ल ही होती है उसमें वो एक पज़ल ही बना के आपको वो देते हैं और बोलते हैं बताइए अब इनमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है यहाँ पर कितने टाइप्स की पज़ल्स होती हैं तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट अब ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप्स में हो सकती है वो भी देखेंगे हम्म इसके बाद आती है वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट अब वर्टिकल अरेंजमेंट लीनियर होगी आपकी रो में ऐसे और वर्टिकल होगी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ठीक है ऊपर से नीचे तक थर्ड आपके आ गई एनक्लोज्ड फिगर में जैसे कि सर्कुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि आपके वीक बेस्ड डे बेस्ड ईयर बेस्ड मंथ बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं कंपैरिजन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जहां पे आप कंपेयर कर रहे होते हैं कंपेयर आपकी हाइट से भी हो सकता है आपके वेट से हो सकता है कंपैरिजन रिगार्डिंग आपकी मार्क्स हो सकता है एज हो सकता है ये सब हम यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड पजल भी सीखेंगे फिर आएंगे मिसलेनियस पज़ल्स अब मिसलेनियस पज़ल्स में डिजिग्नेशन बेस्ड पज़ल्स कैटेगरी बेस्ड पज़ल सिलेक्शन बेस्ड पज़ल ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पज़ल और बहुत सारे पज़ल्स होंगे और ये सभी आप मैंने तो ऐसे बता दिए कुछ कुछ पर आप सब भूल जाएंगे इसलिए आपको मैं अभी यहाँ पे आपको शो भी होगा कि इसके अंदर सब टॉपिक्स या फिर सब टाइप क्या होंगे चलिए तो पहले बात करते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की ओके लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको मिलेगी एक आपको पंक्ति दे दी जाएगी उसमें बोलेंगे या इस पंक्ति में आठ लोग बैठे हैं सभी लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड देयर इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और जिसमें एक रो होगी जिसमें आठ लोग सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे ये कुछ ऐसी होगी ठीक है नेक्स्ट इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट अगैन रो में ही लोग बैठेंगे पंक्ति में ही बैठेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उत्तर और कुछ लोग दक्षिण में देख रहे होंगे मतलब कि सम आर फेसिंग इन नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग इन साउथ नेक्स्ट इज़ पैरल रो सिटिंग अरेंजमेंट इसमें ऐसा हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे पांच चेयर लगा दी और मेरे सामने ही पांच चेयर लग गई इधर जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है ठीक अपने सामने वाले व्यक्ति को ऐसे ही ये पांचों व्यक्ति सामने वाली रूम में बैठे हुए पांचों व्यक्ति को देख रहे हैं और इसे ही हम बोलते हैं पैरल सिटिंग अरेंजमेंट जहाँ पे दो पंक्तियां दी जाती हैं और बोला जाता है ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं पांच जो लोग होंगे वो एक पंक्ति और पांच लोग दूसरी पंक्ति में अब ये मैंने फाइव पर्सेंट्स ले लिया आपको आपके एग्जाम में ये ट्वेल्व पर्सेंट्स भी मिल सकते हैं तो छह लोग एक रो में छह लोग दूसरी रो में होंगे आगे देखते हैं एक और आती है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सेंस इन रो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें वो लोग हमें ये नहीं बताएंगे कि इस रो में कितने लोग बैठे हैं इसमें वो हमसे डायरेक्ट लास्ट में जाके क्वेश्चन पूछेंगे बताइए कितने लोग बैठे हैं इस रो में मतलब पूरी पजल करने का मेन जो उद्देश्य है हमारा यही रहेगा कि हमें यह निकालना है कितने लोग इस पंक्ति में बैठे हैं कुछ 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 कुछ, कुछ क्लूज वो आपको देते रहेंगे उन सभी को ज्वाइन करते हुए हमारी एक सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी मतलब कि हमारा एक बनेगा और उसमें जितने भी लोग बैठे होंगे उन्हें हम काउंट करके बता देंगे इतने लोग इस पंक्ति में बैठे हैं ठीक है अब वर्टिकल अरेंजमेंट में आ जाता है फ्लोर बेस्ड वर्टिकल क्या ऐसे सीधे स्ट्रेट ठीक है तो वर्टिकल अगर देखा जाए तो फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट आएगी तो आप उसे ऐसे तो बना नहीं रहे होंगे हॉरिजेंटली ऑब्वियस सी बात है ना स्ट्रेट बना रहे होंगे तो यहाँ पे फ्लोर बेस्ड होगी एक बॉक्स बेस्ड होगी एक के ऊपर एक बॉक्स रखे हुए हैं ऐसी पजल होगी ठीक है अब आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगी देखिए अरेंजमेंट में अगर वो आपको देते हैं कि एक पंक्ति में आठ लोग बैठे हैं तो हम इसे कैसे बना रहे होंगे जैसे कि ये है और सभी लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो यहां पे हम इसे ऐसे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ऑल ऑफ आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है ये देखिए ठीक अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी पहली बात है हम ये क्योंकि सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं मतलब कि नॉर्थ में देख रहे हैं तो सबके एरो बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी का राइट इस साइड और सभी का लेफ्ट इस साइड आएगा अब राइट और लेफ्ट भी तो हमें पता होना चाहिए क्या है तो पहले वो भी सीख लेते हैं जल्दी से जब हम टाइप्स देख ही रहे हैं देखिए बच्चों यहाँ पे कोई भी पर्सन बैठा हो यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए इज हियर तो

नॉर्थ और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं ये वाले में समझ लो कुछ लोग नॉर्थ देख रहे होंगे और कुछ लोग समझ लो यहाँ पे साउथ में देख रहे हैं ठीक है ऐसे टाइप की समझ लो कोई पजल बन गई और यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है तो इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा क्योंकि ये नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इधर और राइट इधर अब ये कैसे तो एक लेफ्ट हैंड थंब रूल भी होता है अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप सीख लेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल का एक रूल uh, होता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे जिस भी डायरेक्शन में एरो डायरेक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले केस में एरो इज डायरेक्टिंग अपवर्ड्स है ना यहाँ पे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा इसके जो फोर फिंगर्स होंगे दैट दैट शुड बी डायरेक्टिंग इन डायरेक्शन डायरेक्शन ओनली ओके में एरो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर्स भी डायरेक्ट करेंगे अब आपके लेफ्ट हैंड का ये जो थम है ना हमेशा क्या होना चाहिए आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू द रफ शीट और विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड हमेशा ये बाहर की ओर होगा मतलब ये ऐसे मत बना लेना आगे देखिए अब यहाँ पे ये जो आपका फ्रंट पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है ऑफ योर हैंड विल बी हिज राइट ऑलवेज एंड बैक पार्ट डार्कर पार्ट ऑफ योर हैंड विल बी हिज लेफ्ट ऑलवेज समझा राइट एंड लेफ्ट सिमिलरली इफ समबड़ी इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन सो विल टेक अवर लेफ्ट हैंड ही इज फेसिंग इन साउथ मीन इन दिस डायरेक्शन थम शुड बी आउटसाइड द सेंटर ये हो गया लेफ्ट साइड है ना डार्कर पार्ट तो ये क्या हो गया पीछे वाला पार्ट दिस विल बी हिज लेफ्ट एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ अवर हैंड विल बी हिज राइट ऑलवेज ओके गॉट इट नेक्स्ट मैम क्वेश्चन स्टार्ट करो ना जल्दी बेटा इतनी जल्दी क्यों आप आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल कराऊंगी और साथ में अभी करेंगे सॉल्व भी करेंगे ठीक है पर पहले सीखेंगे चीजें ऐसे पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा आपको समझ लो उन्होंने दस लोग दे दिया और बोले पांच एक रो में और पांच दूसरी रो में तो ये हो गए चार पांच ये बना ली एक रो हम ऐसे बनाएंगे डायरेक्ट और ये बना ली दूसरी रो ठीक है ये इधर देख रहे हैं ये सब लोग इनको देख रहे हैं और ये सब लोग इधर देख रहे हैं ये सब लोग साउथ में देख रहे हैं और ये सब लोग नॉर्थ में देख रहे हैं चौथी आती है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन भाई इसमें तो क्लूज के अकॉर्डिंग हमें पता चलता जाएगा कौन कहाँ देख रहा है या फिर आ उसी के अकॉर्डिंग पता चलता जाएगा कि कितने पर्सन उस रूम में बैठते हैं चलिए वर्टिकल अरेंजमेंट हम सभी को पता है फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट अगर आपकी आती है तो आप वन टू थ्री जितने समझ लो फाइव फ्लोर्स दिए हैं तो ये लीजिए फाइव कर दिया ठीक है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी चीज़ें चलेंगी बॉक्स बेस्ड पजल में नंबरिंग कब की जाएगी कब नहीं की जाएगी उसके पीछे होती है रीजनिंग लॉजिक वो भी बताया जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आएगा ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली हैं और चलते हैं आगे और कौन से कौन से टाइप्स हैं ये भी देख लेते हैं बेटा एनक्लोज अरेंजमेंट अब एनक्लोज फिगर में क्या क्या आता है सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट आपकी रेक्टेंगुलर स्क्वायर ट्राइंगुलर ठीक है मेन मेन जो है वो ये चार हैं जो आपसे आईबीपीएस के एग्जाम्स में आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पे जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है आप उसमें वो बोलेगा एट द सेंटर इसका मतलब क्या हुआ आठ लोग एक सर्कुलर एक वृत्ताकर मेज के चारों ओर बैठे हैं सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो आप जाएंगे और ऐसे सर्कल बना देंगे है ना मैं बोलूँगी ये हम नहीं बनाएंगे हम इसे बनाएंगे कुछ ऐसे आठ लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चार लाइन बनाएंगे बन गया ठीक है इससे हम अपने कुछ सेकंड्स बचाएंगे सर्कल मैं अब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप पूरा वो सर्कल बनाएंगे फिर मैंने देखा है आप आठ ऐसे एक दो तीन चार आठ वहाँ पे लोग भी बना रहे होते हैं भाई नौ नाइन टाइम्स नौ बार ही अपना हाथ उठाते हैं उसे बनाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी और मैं आपको बोलूँगी क्योंकि अभी हम मार्च में हैं ओके okay, तो अभी अपने पास टाइम है आदत सही डालोगे तो चीज़ें अच्छे से होने लगेगी और जल्दी होने लगेगी तो अब से आज के बाद से आप लोग सर्कल ऐसे बनाओगे दूसरा स्क्वायर बेस्ड स्क्वायर को भी आप ऐसे बना सकते हो वरना आप इसे सिंपली ऐसे भी बना सकते हो ठीक है इसमें भी ऐसे ऐसे कर सकते हो बट ऐसे करना है तो ऐसे कर लो क्योंकि इसमें डायरेक्शंस थोड़े अलग अलग वो बताएगा तो ये लीजिए ऐसे करके वो बोलेगा आठ लोग बैठे हैं चार कोने पर बैठे हैं चार मिडल में भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और फिर बताएगा चार कोने वाले कहाँ देख रहे हैं और मध्य वाले कहाँ देख रहे हैं वो खुद ही बताएगा रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी स्क्वायर ही बना लेना बात एक ही रहेगी ट्राइंगुलर में आपका कुछ ऐसे बनेगा ट्राइंगुलर में वो क्या बोल रहा होगा थ्री तो कॉर्नर्स पे बैठे हैं और थ्री मिड पे बैठे हैं ठीक है इसमें ये व्यक्ति इसको देख रहा होगा ये व्यक्ति इसको देख रहा होगा और ये व्यक्ति इसको देख रहा होगा क्योंकि उन्होंने उसे बोला है कि वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं और जो मिडल uh, पे बैठे हैं वो बिल्कुल मिड में बैठे हैं इसलिए ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अब लास्ट में यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिली शेड्यूलिंग बेस्ड यहाँ पे तीन से चार टाइप्स आएंगे एक आएगी आपकी मंथ बेस्ड वीक बेस्ड ईयर बेस्ड ठीक है और एक आएगी आपकी मंथ एंड डेट बेस्ड अब देखो मंथ बेस्ड हो गया वीक बेस्ड हो गया ईयर बेस्ड हो गया ईयर बेस्ड में ही आपकी एज बेस्ड भी बोल सकते हैं इसे मंथ में आपकी जब डेट ऐड हो जाएंगी तो मंथ एंड डेट बेस्ड हो जाएगा इसके अलावा कोई और पज़ल आपको देखने को नहीं मिलेगी जो जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा ठीक है अब जैसे यहाँ पे फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट थी तो फ्लोर के अंदर ही अगर मैं फ्लोर के साथ फ्लैट मिला दूँ तो ये फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल भी हो जाएगी जैसे मंथ एंड डेट बेस्ड हुई तो या तो वो मंथ एंड डेट पूछ लेता है या फ्लोर एंड फ्लैट कभी भी वो एक ही शिफ्ट में दोनों एक साथ नहीं पूछ रहा होता है नेक्स्ट कंपेरिजन बेस्ड पजल ठीक है और कंपेरिजन किस चीज को लेके होता है हाइट वेट एज ठीक है किसी भी चीज़ को लेके वो आपका कंपैरिजन कर सकता है ज़्यादातर इन चीज़ों का वो करता है एग्जाम में ठीक है सैलरी पे भी कंपैरिजन हो जाता है मिसलेनियस जो होंगी पज़ल्स उनमें क्या क्या टाइप्स है आपके एक तो है आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस में उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड पज़ल एक होती है सिलेक्शन बेस्ड पज़ल सब कराऊंगी बट और एक जो लास्ट में ये दो है ये है पूरे पूरे चैप्टर पर इन चैप्टर से आजकल बस पज़ल्स ही पूछी जाती है सिटिंग अरेंजमेंट ही पूछी जाती है

सेट द लेफ्ट और राइट ऑफ बी अगर वो बोलते हैं कि ए बी के बाई ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है इसका मतलब क्या हुआ तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूं फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहते हैं हुँ. ठीक है हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर ये linear sitting arrangement में कहा गया या फिर अगर ये एक circular sitting arrangement में कहा गया तो दोनों में हम इसे कैसे लगाएंगे अगर ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आता है समझ लो आठ लोग बैठे हैं एक सर्कल में तो इन्होंने बोला ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी समझ लो लेफ्ट बोला है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो बी है उसको बिठा देंगे इन्होंने हमें बताया होगा कि आठ लोग एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और सभी लोग केंद्र की ओर मतलब कि इनसाइड देख रहे हैं तो ये सभी अंदर देख रहे होंगे है ना? बी को कहीं भी बिठा दिया और बी के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है ए तो बी का लेफ्ट कहाँ जाएगा खुद यहां बैठ के देख लो चाहे आपका लेफ्ट इधर जाएगा वन टू ए आ जाएगा यहां ठीक है लेकिन अगर ये सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में होती समझ लो ये चार लोग दिए होते तो और बी को आपने बिठाया समझ लो बी यहां पे आया आपका तो बी का लेफ्ट सभी लोग अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो बी का लेफ्ट इधर आएगा वन टू ए आ जाएगा इधर बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ठीक है बिल्कुल अगर आप बिगनर है ना सीख जाएंगे तो ये क्लास आप ही के लिए है एंड सोना मैम आप ही के लिए है इस टाइम ठीक चलिए <laughs> अब ये तो थी बिल्कुल जो बच्चों को आता होगा उन्हें तो बहुत लग रहा होगा यार ये तो हमने पहले ही सीख लिया है बट जो बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनकी ये छोटी छोटी चीज़ें भी गलत जा रही होती हैं या समझ में नहीं आ रही होती है फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अगर ऑनेस्ट टॉक करती हूँ मैं जब आपसे हर चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रही होती हूँ और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही होती हूँ स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी रीजनिंग की शुरुआत की थी तो मुझे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में नहीं समझ में आता था आपको विश्वास नहीं होगा आज मैं रीज़निंग पढ़ाती हूँ बट उस टाइम जब मैंने डिस्टेंस और डायरेक्शन देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये लेफ़्ट और राइट कैसे ले लिया जा रहा है और इन्हें कैसे चला दिया जा रहा है अगर एफ़ यहाँ है और यहाँ से इसे यहाँ तक जाना है डी तक तो ये कैसे लेफ़्ट गया और इतना कैसे चल लिया और फिर से राइट right वो ऊपर की तरफ कैसे चला गया अब वही चीज़ माइंड में भी हो सकती है पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी और शुरुआत में कोई गाइडेंस चाहिए होगी ठीक है तो वो मैं आपको देने के लिए यहाँ पे यहाँ पे तैयार हूँ चलिए आइए अब ये कुछ अमेजिंग से ये जो चार सेंटेंस है ना ये आपको मिलते रहेंगे हर पजल में एक आएगा ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी फिर आएगा ए सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी फिर आएगा ए इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ़ बी और फिर आएगा ए जस्ट नेक्स्ट टू बी अब इन सब में आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस लग रहा होगा बट एक्चुअल में इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये सभी में बहुत बड़ा डिफरेंस है अब देखिए क्या अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी आपको एक पजल मिली जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः लो, लोग हैं ठीक है यहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया चलो आठ कर लेते हैं आठ लोग हैं अब इन्होंने बोला ए सेट्स टू द ऑफ बी समझ लो आपने बी को बिठाया बी की एक पोजिशन आपके आपने यहाँ पे आपको बी की पोजिशन मिली इन्होंने बोला ए सेट्स टू द ऑफ बी अगर मेरे इधर चार सीट्स रखी हैं और इधर भी चार सीट्स रखी हैं और मैं बोलूँ मेरे लेफ्ट पे मेरे लेफ्ट पे यहाँ पे संजू बैठते हैं तो ये जो मेरी जो लेफ़्ट की जो चारों सीटें हैं ना संजू इन चारों सीट में से कहीं भी बैठ सकते हैं अगर उसने कहा है ए सेट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब अगर बी नॉर्थ में देख रहा है तो बी का लेफ्ट ये सारी सीट है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है मतलब ए इनमें से किसी भी सीट पे बैठेगा अब मैम को बोलेंगे मैम ये स्लैश क्यों लगाया दी स्लैश वी विल यूज स्लैश फॉर द पॉसिबल कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पर्सन ओके तो यहाँ पे ए की पॉसिबल कंडीशन क्या हुई ये 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 नेक्स्ट अब दूसरी चीज अब उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है अब ये कैसे डिफरेंट है दिस इज सेइंग ए सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी जैसे ही उसने बोला इमीडिएट लेफ्ट इट मींस कि एकदम बाए अब मेरे लेफ्ट में जो चार सीट है मैं अगर बोलूंगी संजू कहाँ बैठेंगे तो संजू भाई मेरे एकदम बाए इमेजिएट लेफ्ट मतलब कि मेरे इमेजिएट नेबर मेरे ठीक पड़ोसी होंगे वो भी बाए वाले मतलब लेफ्ट वाले तो मेरे इमेजिएट लेफ्ट में कौन है संजू इसी सीट पे बैठेंगे ना कि वो बची हुई तीन सीट पे समझ में आई बात चलो तो यहाँ पे ए की पोजीशन सेकंड वाले में हो जाएगी कन्फर्म और हम बोलेंगे ए बिल्कुल शान से यहाँ बैठेंगे कन्फर्म सीट है तीसरा देखिए A is an immediate neighbor of B. अच्छा, A B का पड़ोसी है. अब हम फिर से एक और नहीं बनाते हैं. Third statement. समझ लो six persons हैं. B यहाँ बैठे हैं. इन्होंने बोला A इमेजिएट नेबर है बी का इमेजिएट नेबर मतलब ठीक पड़ोसी है अब भाई बी का अगर ए पड़ोसी है तो ए यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है अब इमेजिएट राइट है या लेफ्ट है ये नहीं पता पर पड़ोसी है ठीक है नेक्स्ट ए सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू बी हमेशा याद रखना ये जो दोनों का मतलब है ये सेम है ये बोल रहे हैं ए इमेजिएट पड़ोसी है ठीक पड़ोसी है किसका बी का और ये बोल रहे हैं ए सिट्स जस्ट नेक्स्ट टू बी जब भी वो इमेजिएट नेक्स्ट या फिर इमेजिएट नेबर बोले या फिर जस्ट नेक्स्ट बोले इन दोनों का मतलब पड़ोसी ही होता है तो आप क्या लिखेंगे ये क्या होता है पड़ोसी होता है ठीक चलिए आगे चलते हैं अब अब ये तो भाई ये तो हर वो बच्चा वो चाहे दो साल से तैयारी कर रहा हो तीन साल से कर रहा हो ठीक है या फिर प्री निकाल भी दिए हो लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर ये बड़ा एक कंसर्न रहता है मैम एट मोस्ट और एटलीस्ट प्लीज़ बता दीजिए एक बार फिर से मेंस का पेपर देने से पहले भी आप पूछ रहे होते हैं क्योंकि आप सभी को पता है आप यहाँ पे बहुत फंसते हैं आज के बाद नहीं फंसेंगे ठीक एक बार लाइक और लाइव को भी बराबर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइक्स थोड़े थोड़े नहीं बहुत कम लग रहे हैं यार आ, आ, विद रिस्पेक्ट टू योर लाइव चलिए मैं मेंस करा रही हैं बेटा मैं फाउंडेशन करा रही हूँ बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से आपको फजल और सिटिंग अरेंजमेंट करा रही हूँ मेंस भी करेंगे डोंट वरी जब ये सीख जाएंगे तो मेंस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे देखो बेटा एटमोस्ट मतलब और एटलीस्ट मतलब क्या होता है बस इंच की हिंदी याद रखो एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ सकती है ठीक है वैसे यार बढ़िया है मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लोग सिट टू दी बी के लेफ्ट बैठेंगे क्या बोलना चाह अभी बताएंगे पर एटलीस्ट भी देख लेते हैं एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम एटलीस्ट यही होता है ना तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम ठीक है हुँ. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा और कम से कम अब समझ लो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ समझ लो ये आठ सीट है सभी लोग ये जो भी लोग हैं ये सभी लोग ऊपर उत्तर दिशा में देख रहे हैं अब मुझे पता है आप लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे मैं ये बोलूंगी बेटा अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो इस पेपर पे इस रफ शीट पे मुझे पता है आप लोगों के अंदर वही सब सवाल आ रहे होंगे कि यार ये अगर ये कुर्सी है और कोई ऐसे बैठा है तो ये ऊपर कैसे देख रहा है छोटी बहुत बहुत सिली सिली, सिली सी बातें हैं बट हमें आएगी क्योंकि लगेगा यार हम क्या बना रहे हैं कहाँ कौन पर्सन बैठा होगा खड़ा होगा कहाँ देख रहा होगा तो मैं बोलूँगी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओ इतना दिमाग नहीं लगाना है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओ इस रफ शीट पर मान लो जो भी है वो ऊपर देख रहा है अगर कोई इधर देख रहा है तो उसका राइट ये होगा या फिर यहाँ पे खुद खड़े हो जाओ यहाँ पे खुद खड़े हो जाओ और बोलो मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा मेरा राइट ये होगा ठीक है चलो <laughs> आइए अब यहां पे इन्होंने बोला एटमोस्ट टू परसेंट से लेफ्ट ऑफ बी बी के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा दो लोग जरूर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग होंगे मतलब दो से ज़्यादा नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया अधिकतर से अधिकतर बोल दिया इतने ही हैं मतलब बी कहाँ कहाँ हो सकता है भाई बी के लेफ्ट में या तो दो हो सकते हैं दो से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना लो पर दो से ज़्यादा नहीं हो सकता ठीक है तो एक बार हम ले सकते हैं कि बी के लेफ्ट में दो है एक तो ये पोजीशन हो सकती है और क्या हो सकती है भाई बी यहाँ भी आ सकता है बी के लेफ्ट में हो सकता है एक हो और एक और चीज़ हो सकती है हो सकता है बी के लेफ्ट में एक भी ना हो ठीक है पर और कोई जगह नहीं आएगी बी की बस ये तीन जगह होगी और कोई नहीं होगी समझ में आई बात <laughs> थ्री फ्लोर अवे वाला बताया दीना मैम एक बार हाँ प्रेरणा जरूर वो भी है लाइन में डोंट वरी सारा चीज़ आज क्लियर करेंगे ठीक ये चीज तो समझ गई अब कम से कम अगर लिखा होगा तो ये बोल रहे टू द लेफ्ट ऑफ बी के लेफ्ट में ना कम से कम दो लोग होंगे मतलब दो लोग जरूर होंगे कम से कम इससे कम नहीं कर सकते तुम इससे कम नहीं कर सकते बी के लेफ्ट में दो लोग जरूर होंगे पर भाई दो से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना मतलब यहाँ पे बी के लेफ्ट में दो ज़रूर होंगे कभी भी बी यहाँ नहीं आएगा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बी के लेफ्ट में कम से कम दो ज़रूर होने चाहिए पर बी यहाँ भी आ सकता है 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 यहाँ भी, भी और यहाँ भी अब आप देखो ध्यान से इसने क्या बोला था कम से कम दो लोग तो ज़रूर होने चाहिए बी के लेफ्ट में तो देखो हर एक पॉसिबिलिटी में बी के लेफ्ट में दो ज़रूर हैं अब दो से ज़्यादा वो आपके ऊपर है ठीक है वो रखना आपके ऊपर है क्लियर मैम बोल रहे हैं अनवी अरे वाह वेरी गुड तो चलिए क्लियर हुआ ये हाय संजू तुम्हारा तो नाम लिया था बेटा मैंने कैसे रिप्लाई नहीं किया मैंने एग्जाम्पल <laughs> ले लिया हमने आपके ऊपर थैंक यू प्रियंका थैंक यू चलो ये चीज दोनों समझ में आई अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हम्म hmm, अब आ गई वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे से किसी ने पूछी थी अब ये स्टेटमेंट बहुत मिलता है यार मैं परेशान हो गई हूँ ये स्टेटमेंट बच्चों को बहुत परेशान करता है ए इज थ्री प्लेसेज अवे फ्रॉम बी और पता है इसको बस घुमा फिरा के लिख दिया गया है एक्चुअली इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखिए क्या है अगर समझ लीजिए मैंने एक बनाया सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है अभी मैं मैं पूरी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करा रही हूँ मैं बस आपको फ्रिक्वेंटली यूज बार बार जो आपको स्टेटमेंट्स मिलेगी वो बता रही हूँ पजल में ए इज थ्री प्लेसेज अवे फ्रॉम बी ए बी से तीन जगह दूर है दूरी पर है बेटा हमेशा याद रखना जब भी वो आपको दे इज थ्री प्लेज अवे फ्रॉम बी थ्री प्लेसेज अवे या फिर कितना भी नंबर दे और लिख दे प्लेज अवे हमेशा याद रखना इसका मतलब एक ही चीज़ होती है थ्री प्लेसेज अवे अगर आ गया तो आप इसे क्या मानोगे जो नंबर दिया होगा ना उसमें से माइनस वन कर देना थ्री माइनस वन इज़ इक्वल टू टू मतलब दो का क्या होगा गैप होगा क्या होगा गैप होगा अगर वो बोलता है ए इज फोर प्लेसेज अवे फ्रॉम बी तो आप क्या करोगे फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री मीन्स देर विलप ऑफ थ्री पर्सन बिटवीन ए एंड बी अगर वो बोलता है ए इज सिक्स प्लेसेज अवे फ्रॉम बी तो इसका मतलब क्या होगा देयर विल बी अ गैप ऑफ सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव फाइव पर्सन विल बी देयर बिटवीन ए एंड बी समझ में आई बात इधर आइए <laughs> और अच्छे समझ में आएगी देखिए ए इज थ्री प्लेसेज अवे फ्रॉम बी अच्छा बी अगर समझ लो यहाँ लिखा है अब इन्होंने बोला है थ्री प्लेसेज अवे फ्रॉम बी तो क्या हो जाएगा इसका मतलब ए और बी के बीच का गैप क्या होना चाहिए थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू मतलब एक दो छोड़ के या तो ए यहाँ होगा या फिर एक दो छोड़ के ए यहाँ होगा अब इन्होंने ये नहीं बोला लेफ्ट या राइट अब इसी के अंदर अगर उन्होंने ऐड कर दिया ए इज थ्री प्लेसेस लेफ्ट फ्रॉम बी अगर वो बोलते हैं ए इज थ्री प्लेसेस लेफ्ट फ्रॉम बी मतलब कि बी के लेफ्ट में दो का गैप छोड़ के ए पक्का यहाँ आएगा अगर उसने राइट बोल दिया तो राइट में आएगा लेकिन अगर उसने बस इतना बोला है थ्री प्लेसेज अवे इट मीन क्या हो जाएगा गैप हमेशा टू ही रहेगा एक ही दो पॉसिबल कंडीशन आई है यहाँ पे आगे चलते हैं अब ये स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट में आपको मिलेगा जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं उन्हीं पजल्स के दे रही हूँ जिसमें वो स्टेटमेंट आपको मिलेगा जैसे ये स्टेटमेंट आपको मिलता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में ठीक है ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मिलेगा फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट में या फिर बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट में इज थ्री प्लेसेस अबोव या बिलो बी चलिए देखिए ये कैसे होगा अब समझ लो मैंने माना ए इज़ थ्री प्लेसेज अबव दिया है इन दोनों में से कोई एक चीज़ देगा ठीक है अब बी समझ लो यहाँ है इन्होंने बोला ए इज़ थ्री प्लेसेज अबव बी बी से ऊपर है <coughs> तीन स्थिति तो हम क्या करेंगे ये जो थ्री है ना इसका क्या कर देंगे वो ही करेंगे जो पहले किया था थ्री माइनस वन मतलब कि एन माइनस वन करना है क्या करना है नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ पर्सन जो दे रखे प्लेसेस दे रखी है वो नंबर में से माइनस वन करना है जो आएगा वो क्या होगा गैप होगा उन दोनों पर्सन के बीच का तो यहाँ पे बोलते हैं थ्री प्लेसेस अब बी मतलब बी के ऊपर तो ए होगा क्योंकि अबव है पर कितना ऊपर होगा तो भाई गैप हो जाएगा यहाँ पे टू का क्या होगा गैप So, ये क्या हो जाएगा बी के ऊपर ए है एक दो छोड़ के ए आ जाएगा यहां कितने लोग आएंगे यहां पे? दो लोग आएंगे इनके बीच और बी के ऊपर आएगा ए समझ में आया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए अब अगर उन्होंने बिलो दे दिया इज थ्री प्लेसेस बिलो बी तो ए नीचे है अब बी के तो अगर बी यहाँ है तो टू आ, टू का गैप आएगा ए यहाँ आ जाएगा इस बार ए नीचे होगा बी से पर गैप तो उतना ही होगा क्योंकि गैप हम माइनस वन करके निकालेंगे समझ में आई बात चलिए बहुत बढ़िया एवरेज वॉश टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब बच्चों को पसंद आ रही है चीज़ क्योंकि उन सभी को पता है आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे पजल्स करते होंगे कि यार ये स्टेटमेंट्स हमें हर हर दिन पजल में देखने को मिल रहे हैं और अगर आपने ये समझ ली है ना एक बार तो आपको पजल फिर दिक्कत नहीं आएगी जो आप पजल में बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो आप सोचते हैं पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये सोचना पड़ता है अच्छा इस सेंटेंस का मतलब क्या है इसे हम थ्री ले कि टू ले अब पे थ्री प्लेसेस अवे दे दिया तो बच्चों का ये बहुत कंसर्न रहता है और रहे क्यों ना यार मेरे को भी जब मैं देख के पढ़ रही हूं तो मुझे भी लग रहा है यार तीन जगह छोड़ो और ऊपर लिखो पर ऐसा नहीं होगा इसमें थोड़ी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी अपनी और इसमें हम क्या थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू का ठीक है यस मैम क्लियर वेरी गुड अदिति चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे आपके स्टेटमेंट्स कर दिए क्लियर <laughs> है ना नाउ इट्स द टाइम हम स्टार्ट करते हैं पजल अब बिल्कुल आसान पजल से स्टार्ट करेंगे बट ये पज़ल भी आर आर क्लर्क के एग्जाम में आ चुकी है प्री में ठीक है तो कुछ साल पहले ये पजल देखने को मिली थी अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक चीज़ और आएगी मैम आपने सर्कल के लिए हमें बोला है सर्कल ऐसे नहीं बनाना आपने बोला है ऐसे बनाना और आपने आठ लोग बना भी दिए थे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पर अगर नंबर ऑफ पर्सन हुए तो मैं क्या करूंगी क्वेश्चन आएगा ना मैं ही बताऊंगी वो भी पर पहले आप ट्राई करेंगे खुद से ठीक है सो अस डू इट एंड देन आई विल हेल्प यू आउट इन दिस सो एक और बात यहाँ पे IBPS का रिजल्ट आने वाला है आप सभी को पता है एक तारीख को तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को uh, मुझे पता है बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट अभी इस टाइम बढ़ रही होगी पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा क्योंकि एक पूरी साइकिल होती है फिर वो पूरा एक साल वापस से वही किताबें उठाना वही टेस्ट सीरीज़ उठाना और फिर से लगना तैयारी में डिफ़िकल्ट तो हो जाता है लेकिन हाँ तैयार रहिएगा चीज़ों के लिए ठीक है यहाँ पे रुकना नहीं है अगर सिलेक्शन हो गया तब भी नहीं रुकना और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी नहीं रुकना क्योंकि आप बहुत बहुत पास होंगे अपने मुकाम से इसलिए रुकना नहीं है चलते जाना है आपको ज़रूर मिलेगी सफलता चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से परफॉर्म आते हैं इस पे सात व्यक्ति एक कर्मीज के चारों ओर ओर बैठे हैं 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 सभी लोग केंद्र की देख रहे ठीक दे है है यही दे रखा फिर ये स्टार्ट करते हैं हमारे पर हमें पहले सात लोग बनाने पड़ेंगे तो मैं बोल रही हूँ आप अभी भी सर्कल वैसे ही बनाएंगे जो मैंने बनाया था तो कैसे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ छह लोग बन गए अब ये सातवा आपका जहां मर्जी करे मन के मालिक हो ये लोग बना दो सातवा ठीक है अब ये लोग सभी लोग अंदर देख रहे हैं स्टार्टिंग <coughs> में आप यूज़ कर सकते हो बट प्रैक्टिस करते करते आपको यह आदत अपनी छोड़नी होगी क्योंकि ये गंदी आदतों में माना जाता है जब सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे होते हैं मतलब सभी अंदर देख रहे हैं तो ये जो एरो वाला है ना ये हम नहीं लेंगे और प्रैक्टिस के दौरान हम इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें पता हो या लेफ़्ट सबका ऐसे ही जाएगा और राइट सबका ऐसे ही जाएगा इसी के साथ लेफ्ट और राइट पर मैं एक और चीज़ बताती हूँ मैंने लेफ्ट हैंड थम रूल तो आपको बता दिया आपको समझ में आ गया होगा खुद को एज्यूम करने का मेथड होता है वो भी आपको पता है पर तीसरा एक और मेथड होता है अगर यहाँ पे अभी वैसे ज़रूरत है नहीं अभी हम इसे ऐसे ही करते हैं ठीक है चलो तीसरा मैथड बताऊँगी एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज जब और थोड़ी पजल आएगी ठीक है वरना तुम बिल्कुल पजल्ड हो जाओगे उसमें तो अभी इतना ही काफ़ी है दो रूल्स आपको पता है और वही सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करने हैं चलिए पी सेट सर्च टू द लेफ्ट ऑफ यू इन्होंने बोला है यू के लेफ्ट से किसके यू के तो यू को पकड़ो पहले तो यू को बिठाओ सबसे पहले यू कहीं भी बिठा दो जहां मन करे बिठाओ ये लो बिठा दिया

तीन पी आ गया यहां ठीक नेक्स्ट आगे देखो आर सेट सेकेंड टू ऑफ टी टी दिख रहा है क्या नहीं ना आर दिख रहा है क्या नहीं ना तो आगे पढ़ो एंड इमेजिएट है अब मिल गया हमें इमेजिएट और साथ ही साथ इन्होंने बोल दिया आर्ट सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड इमेजिएट एंड लिखा है ये एंड के बाद जो बात की जा रही है ये किसके बारे में है क्या ये इस टी के बारे में है या फिर ये इस आर के बारे में है है ना भाई हम तो फंडामेंटल कर रहे हैं पर हमें ये तो समझ में ही नहीं आ रहा तो इसके लिए आप दो लाइनें लिखेंगे जल्दी से ठीक है और आ जाएंगे अपनी बेसिक पे जल्दी से दो लाइनें लिखेंगे यहाँ पे <laughs> अगर वो आपको बोलता है बेटा ठीक है चलो अगर वो आपको बोलता है ए सेट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड इज एन लिख लेंगे अपने पास जो भी आपकी कॉपी होगी नोट जरूर करेंगे एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी सी सॉरी ठीक है ये चीज आ गई और आपका डायग्राम कुछ ऐसे बना एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात

कर रहा है जब भी एंड यूज होगा तो इसके बाद जो भी बात की जाएगी किसके बारे में होगी फर्स्ट पर्सन के बारे में होगी हमेशा याद रखना किसके बारे में होगी फर्स्ट पर्सन के बारे में होगी मतलब कौन हुआ फर्स्ट पर्सन भाई सबसे पहले कौन दिया हुआ है ए ए के बारे में ना कि बी के बारे में मतलब ए इज एन ऑफ सी तो ए पड़ोसी होगा सी का मतलब सी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा स्लैश इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी गॉट इट समझ में आई मैम आपकी सारी वीडियोस देखकर जो लाइव चल रही एंड तक आपके साथ जुड़े रहेंगे मैम यूट्यूब से प्री निकल जाएगा क्या हमारा हाँ क्यों नहीं निकलेगा ठीक है ज़रूर निकलेगा और मुझे पता है प्री को बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अरे प्री है निकाल लूंगा और जब रिजल्ट आता है तो शौक हो जाते हैं अरे यार इस बार प्री नहीं निकला मेरा तो मैं तो मेंस की तैयारी करके बैठा था तो देखो एक तो अंडर मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और साथ साथ बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है यार मेरा प्री कैसे निकलेगा मुझे पता नहीं क्या ही करना होगा मैं हूँ यहाँ पे रात दस बजे भी पढ़ाती हूँ दोपहर तीन बजे भी पढ़ाती हूँ प्री आराम से निकल जाएगा बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें करनी होंगी ये सीखनी होंगी साथ साथ जो जो बोला जा रहा है वो एक्स्ट्रा भी करना होगा तभी होंगी चीज़ें ठीक है पर होगा ज़रूर फॉर श्योर इधर आइए ठीक है फर्स्ट पर्सन के लिए है समझ में आ गई ये बात अब एक बात और याद रखना इसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें इसमें नोट कर लेंगे अगर आपको उसने एंड दे दिया वाइल और ये और चीज़ें दे दी जैसे कि उसने अगर आपको एंड दे दिया उसने आपको बट दे दिया वाइल और या फिर उसने डायरेक्ट कॉमा लगा के बात कर दी तो ये सभी इनके बाद जो भी स्टेटमेंट यूज होगा दैट विल बी यूज फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट द स्टेटमेंट ठीक है फर्स्ट पर्सन इन द स्टेटमेंट अब यहां पे क्या होगा ये हिंदी में भी लिख लेंगे जिन्होंने नोट किया है और लेकिन जबकि और ये आपका हो जाएगा और और मतलब uh, या ठीक है हिंदी में या अब यहां पे अगर मैं इस एक कंजंक्शन को चेंज कर दूं तो कहानी पलट जाएगी अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कैसे कहानी पलटती है अगर मैंने यहां पे लिख दिया तो बच्चों बताओ अब क्या होगा <coughs> संजय दासकिंग मैम महापैक में प्रिंटेड बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या मिलेगी प्रिंटेड बुक मिलेगी आपके घर तक आएगी अगर आप विद बुक लेते हो महापैक जो मैं आपको दिखा रही थी ठीक है ई बुक्स भी मिलेगी सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी हार्ड कॉपी आपके घर तक एस की बुक्स आएंगी ठीक है प्रिंटेड सारी और साथ में पेड क्लासेस लाइव क्लासेस सब मिलेगी ठीक है चलो हम्म आइए अब हु लिखा है तो अब क्या हो जाएगा पता है आपको अब ये बात ए सेकंड टू तो द लेफ्टॉप भी भैया तो वही की वो रहेगी बी के लेफ्ट से सेकेंड पे ए बैठा है लेकिन आगे बोलेंगे नेबर ऑफ सी हु जो ठीक है जो पड़ोसी है किसका सी का कौन भाई बी की बात होगी इस बार सी का पड़ोसी बी है मतलब बी का पड़ोसी सी बोल लो सी का पड़ोसी बी बोल लो सी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा पर क्यों पलट पलटी मार दी गई मतलब ये क्यों चीज पूरी है? ऐसे पलट गई क्यों क्यों ये इस बार सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है क्योंकि की वेनेवर यू गेट रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु हुँ? अगर आपको इन चारों में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है तो इनके बाद में जो भी बात की जाएगी किसके बारे में होगी इनसे जस्ट पहले गिवन एलिमेंट के बारे में या फिर आप बोल सकते हैं जो सेकेंड पर्सन दे रखा है सो so, अब बात होगी सेकेंड पर्सन के बारे में इट आई होप अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लाइफ टाइम नहीं होगी है ना ठीक <coughs> देखो और बहुत सारी चीजें होती है सिखाने के लिए एंड uh, बस डेली बेसिस पे आप यहाँ पे जुड़े रहो बने रहो साथ में पेड क्लासेस भी होती है आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ अगर आपको चाहते हो कि यार और थोड़ा इंटरेक्शन हो और और चीज़ें आपके और डाउट क्लियर हो चलो आगे चेंस हम कल पार्ट टू में करेंगे आज हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं ठीक है ठीके? चलो उसी के साथ आप सभी के लिए अल्फ़ा बैच लॉन्च हो चुकी है 20 अप्रैल से इसकी पहली क्लास शुरू हो रही है क्योंकि आर, आर की हमने तैयारी शुरू कर दी है पिछले साल भी मैंने आप सभी को तैयारी कराई थी साथ में से दाद सर भी थे आप सभी को याद होगा सेम बैच थी और उसने और ये बैच प्री के लिए है बट इस बैच से अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाला हर एक एग्जाम का प्री आपका निकलेगा इसी के साथ रोज़ दोपहर तीन बजे भी क्लास होती है और ढाई बजे भी क्लास होती है वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा ढाई बजे मैथ्स होता है तीन बजे मेरा रीजनिंग होता है अल्फा क्लासेस चलती है और अगर आप मेरे साथ ऐसे पेड बैच में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं डबल वाई लाइव है कूपन कोड यूज़ कीजिएगा वाई 440, तो सेवेंटी का डिस्काउंट मिल जाएगा एक बात याद रखेंगे पिछले साल हमने देखा था प्री में आर आर हो या क्लर्क हो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था है ना तो इस साल भी फिर से उसी तरीके से पढ़ेंगे और प्री निकालेंगे और मेंस के लिए भी कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर सोचा जाएगा बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा ठीक है उसको भी नहीं जाने देंगे इस बार तो चलिए फिर प्री हमें किसी भी हाल में निकालना है अगर प्री नहीं निकल रहा है जरूर जुड़ेंगे यहाँ वाई जान सो चालीस ऐसे लगाएंगे आपको सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा बैच ये हो या ये हो ये सभी बैचेस आपको मिल जाती है बैंक महापैक में और यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट सीरीज बुक और ई बुक्स हो आपकी प्रिंटेड बुक्स हो आपकी घर तक आती है हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी कूपन कोड आप क्या यूज़ करेंगे वाई चार सौ चालीस और आज भाई आज है डीवी तो मैं रिकमेंड करूँगी आज ही ले लेंगे लेना है तो क्योंकि बारह बजे तक डीवी चलेगी मतलब ये ही बैंक वहाँ पैक आपको डबल टाइम के लिए मिल जाएगा उसी अमाउंट पर बस कूपन कोड वाई लगाना तो आपको सेवेंटी डिस्काउंट भी मिलेगा और डी भी मिल जाएगी ठीक है चलिए कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए वाई चार सौ चालीस के पीछे एस लगा देना आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे साथ रोज़ दोपहर तीन बजे और रात दस बजे ज़रूर जुड़ेंगे अडर डेटिफेशन की आप डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के जो भी आपकी पी डी एफ है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी कल तक थैंक यू बाय टेक केयर गुड नाइट इसके बाद वाई सेशन में ज़रूर जुड़ेंगे